हमारे तेलंगाना स्टेट में मुझे मालूम हुआ हमारी सरकार की नकल तो जरूर की यहाँ पर, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत में अमली जामा नहीं बनाया। केवल कागजों में जरूर ज़मीन दे दी हमने उत्तर प्रदेश में, सरकारी खर्चे से गरीब आवासहीनों के पक्के मकान बना कर दिए। जिनके पास अपने घर नहीं थे, सरकारी पैसे से हमने पक्के मकान बना कर दिए। और इतना ही नहीं, जो एससी एसटी वर्ग के लोग जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ था अपने छोटे मोटे काम के लिए और वो पैसा नहीं, कर्जा अदा नहीं कर पाए थे, हमने सरकार के पैसे से उनका कर्जा अदा किया, कर्जे से मुक्त उनको कराया हमने। तो चाहे ईवीएम से कराएं, कुछ भी करें, आप लोगों को हर प्रकार की तैयारी करके तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी भत्ता क्या 4-5 हज़ार रुपये दे दो, उससे क्या आपका घर का खर्चा चल पाएगा? मैं समझती हूँ नहीं चल पाएगा। तो हमारी सरकार ने वहाँ दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता ना देकर गरीब और बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को हमने बड़े पैमाने पर वहाँ रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर भूमिहीन गरीब लोग थे उनको खेती करने के लिए हमने 3-3 एकड़ के हिसाब से सरकारी फ्री ज़मीन भी दी। कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ, अर्थात जब हमें यह सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री या बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री आरएस परवीन कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वह बीआरएस लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या यहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की ज़िंदगी बसर करना, स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों, गुरु और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। लेकिन यूपी में हमने जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको पूरा न्याय दिया, उनके ऊपर जुर्म जाति नहीं होने दी। हालांकि हमने जो फैसले लिए, दूसरी पार्टियां उसकी नकल करने की पूरी पूरी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो लोग उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर पुरजोर अपील है, अपने संगठन को मजबूत करें, पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं, ख़ास तौर से वीकर सेक्शन में, माइनॉरिटीज़ में, और जो अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको भी तैयार करें, सब समाज को जोड़ें, बहुत बड़ी ताकत बनाएं, जनाधार को बढ़ाएं, और ताकि आप लोगों की अपनी सरकार बने। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही बता देती हूँ, जय भीम जय भारत। అనువాద మెడలు వంచాదని నిలువు పొగరు దించా, 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 మాయవతిని మంత్రి చేసనే మాన్య కాంతిరాము, మాయవతిని మంత్రి చేసనే మాన్య కాంతిరాము, బహుజనుల బలము చూపెనే మాన్య కాంతిరాము, బహుజనుల బలము చూపెనే మాన్య కాంతిరాము, నీలి నీలి జెండా పేదోళ్ళ గుడిసె నిండా, నీలి నీలి జెండా పేదోళ్ళ గుడిసె నిండా।
కూడగట్టి ఆ నీలి జెండా వట్టి బహుజనుల కూడగట్టి ఆ నీలి జెండా వట్టి బహుజనుల కూడగట్టి ఆ నీలి జెండా వట్టి బహుజనుల కూడగట్టి సమ్మిలిక చలో అన్నడే మాన్య కాంతి రామో సమ్మిలిక చలో అన్నడే మాన్య కాంతి రామో ఆతికి సాతు అన్నడే మాన్య కాంతి రామో ఆతికి సాతు అన్నడే మాన్య కాంతి రామో లాల్ కిలా నేను మన్నడే 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 మాన్య కాంతి రామో లాల్ కిలా నేను మన్నడే